किसान टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ है कोरोना वायरस से चलते हुए, हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी परेशान हैं। जो मध्यम वर्ग लोग हैं, जिनके काम धंधा बंद हो चुका है, रोजगार बंद हो चुका है, सर्विस बंद हो चुकी है, तो राशन से लेकर खाने पीने की तमाम चीज़ों की उन्हें बड़ी ही प्रॉब्लम पेश आई, परेशानी पेश आ रही है। ऐसे में मुंबई में स्थित उत्तर भारतीय महासंघ ने एक बीड़ा उठाया। डे वन से ही, हम आपको पहले ही बता चुके हैं हमारी वीडियो के जरिए से, कि डे वन से ही उन्होंने राशन बांटने का काम शुरू किया। और उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया कि हम राशन तो दे रहे हैं लेकिन जिनके पास चूल्हा या गैस सिलेंडर नहीं है वो कैसे बनाएंगे, तो अब उनको वो समस्या भी ना हो, तो उन्होंने वहाँ पर बाकायदा किचन का काम शुरू किया, कम्युनिटी किचन का, जहाँ पर बड़ी तादाद में 5 से 8 हज़ार लोगों को रोज़ आना पका हुआ खाना तकसीम किया जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं दीवा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बहुत से भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। ये पता होना देने के लिए उत्तर भारतीय महासंघ ने एक बड़ा सराहनीय कदम ये उठाया कि मुमरा से आगे बढ़कर शीरभाटा भी उनका काम चल रहा है, ठाकुरपाड़ा में उनका काम चल रहा है और अब दीवा तक भी वो पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ जानवी पाटिल जी मौजूद है। मैडम, ये बताएं कब से आप लोगों को, मतलब क्या क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम किया था? बहुत सारे इधर मैंने मदद भी हुआ था, इसके बाद मेरे को कांटेक्ट नंबर मिला टी एम सी दरिया से, क्योंकि मूव फर्स्ट नाला मर के, तो उनकी तरफ से कभी मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो रात को मुझे शायद से 100 जन के आसपास खाना चाहिए था, जो कि 12 बजे की टाइम था। तभी उसी के टाइम पे मुकेश मामा आए, जो 12 बजे के लाके मेरे को खाना दे दे, और अब कम से कम इधर 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, जो इनकी वजह से उधर से खाना 600 पर प्लेट 700 पर प्लेट जिससे होता है, वो बना के रोज़ का इधर कंटिन्यू चाहिए। देख सकते हैं नाजरीन के, अभी जानवी जी ने बताया कि रात के 12 बजे खाने की समस्या हुई और कहीं से इन्हें नंबर मिला, उन्होंने कांटेक्ट किया उत्तर भारतीय महासंघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके अध्यक्ष करीम खान साहब, उन्होंने फौरन रिएक्शन देते हुए फौरन खाने का इंतजाम करवा के यहाँ भेजा। और अभी जैसे मैडम ने बताया 1.5 महीना होने आ रहा है, यहाँ डेली 600 से लेकर 700 पैकेट तकसीम किया जा रहा है। हमारे एक साथी यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है भाई आपका? संजय भाई यहाँ मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं कि खाना भी बांट रहे हैं। संजय भाई, क्या समस्या आप लोगों को लॉकडाउन के चलते आई? लॉकडाउन में गरीब लोग की सेवा हो रही है, 9 बजे करीम मतलब भाई खाना बांट रहे, 20-25 दिन से इधर खाना मिल रहा है, गरीब लोग की अच्छी सेवा हो रही है, इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे एक लंबी कतार आपको नजर आएगी, एक तरफ हमारी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान साथी भी यहाँ देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पीछे तक कतार लगी हुई है। और ये सब वाकई लॉकडाउन के मारे हुए हैं, कोरोना वायरस के चलते जो परेशानी आई है, ये उसके सब सताए हुए लोग हैं बेचारे, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। तो उत्तर भारतीय महासंघ ने एक बड़ा कदम उठाकर रोज़ाना यहाँ 600 से लेकर 700 पैकेट पका हुआ खाना, फूड पैकेट यहाँ दिया जा रहा है। ये एक सराहनीय कदम है उत्तर भारतीय महासंघ का। हमने जैसे भी आपको पहले भी बताया कि मुमरा से लेकर शीलफाटा, वहाँ से लेकर ठाकुरपाड़ा और अब दीवा तक भी उत्तर भारतीय महासंघ का जो दायरेकार है, कार्यक्षेत्र है, वो फैल चुका है। आप देख सकते हैं मेरी कितनी बड़ी तादाद आपको नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया है उत्तर भारतीय जाति संघ के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा मदद की है हम लोग के लिए, जो कि जिसको खाना नहीं पहुंच पा रहा था उनको खाना पहुंचा है, और उनकी जरिया जो भूखा सोने वाले तो एटलीस्ट भूखा नहीं सो रहे, इनको खाने की जरिया में मतलब जो भी कंडीशन था तो नॉर्मल कंडीशन में जरा आ रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच जाति भारतीय। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं दर्शकों, उत्तर भारतीय महासंघ एक मिसाल कायम कर रहा है, एक तारीख बना रहा है कि जो हम देखते हैं कि बगैर किसी धर्म को देखते हुए, जाति को देखते हुए, मानवता के आधार पर सब इंसान हैं, सब मालिक के बंदे हैं, और उत्तर भारतीय महासंघ इस नारे को लेकर आगे बढ़ रही है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, और इस वक्त इंसान को इंसान की मदद की ज़रूरत है। अब्दुल करीम खान साहब जो उत्तर भारतीय महासंघ के संचालक हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उसके रूह रवा हैं, और उनके जो तमाम साथी जो सर के हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, सब उनके कांधे से कांधा जोड़कर लगे हुए हैं, और ये बड़ी तादाद में इनके दीवा तक इनकी गाड़ी आती है रोज़ाना रात में, और 600 से लेकर 700 पैकेट जो मजदूर भाई हमारे हैं, जो यहाँ के मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन तक ही खाने के पैकेट पहुँचाया जाता है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम दूसरी भी एनजीओ से, जो और एनजीओ काम कर रही है, उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, अपने इलाके से भी आगे निकलें, देखें कि कहाँ भूख है, कहाँ प्यास है, कहाँ ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, ताकि कोई भूखा ना सो जाए। ये ज़मीन सबके लिए है, खुदा सबके लिए है, सब खुदा के बंदे हैं, आगे बढ़कर उनकी मदद की जाए, यही वक्त की पुकार। बंद कर दिया।
महासंघ के युवा कार्यकर्ता बहुत जुझारू कार्यकर्ता नदीम खान साहब यहाँ मौजूद है। नदीम खान साहब ये बताएं कि आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है? गांधी मैडम भी जो गांधी पार्टी थी उन्होंने शायद इधर प्रशासन में पीएमसी के अंदर जो सीनियर अधिकारी है सुनील गोरे साहब उनको कॉल किया। उन्होंने करीब हमारे प्रेसिडेंट उत्तर भारतीय महासंघ प्रेसिडेंट उनको कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात रात में 11:30-12 बजे थे कि करीम भाई उधर 100-200 आदमी को थोड़ा खाने का ज़रूरत है, आप उधर थोड़ा खाना दे दो। तो उसी टाइम में हम लोग अपना किचन चालू करके खाना बना के इधर पे लेकर आया और उसी दिन से अलहमदिल्ला आज 29-30 दिन हो गया हम लोग कंटिन्यू इधर पर बराबर 9-9:15 बजे हमारा खाना इधर आया था, लोगों तक हमारा खाना पहुँच जाता है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि लॉकडाउन तो हुआ और लोगों से ये निवेदन भी किया गया बल्कि आदेश दिया गया कि लोग जहाँ पर हैं वहीं रहें, घरों में रहें, लेकिन अब लोग घर में अगर रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो क्या ये बताएं कि शासन प्रशासन से भी कोई आप सहायता आपकी उत्तर भारतीय महासंघ को आ रही है या यहाँ जो मजदूर परेशान लोगों को आ रही है? नगर सेवक कुछ जो नगर सेवक है जो कुछ नगर सेवक थोड़ी बहुत इधर पे लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उत्तर भारतीय महासंघ को किसी की कोई चीज़ की मदद नहीं पहुँचाई है सिवाय पास देने के सिवा, और उन्होंने कोई महीना मदद नहीं दी उत्तर भारतीय महासंघ को। आज तक जो भी हो रहा है उत्तर भारतीय महासंघ, आप जैसे दोस्तों जो मदद कर रहे हैं उत्तर भारतीय महासंघ की, उसी बदौलत उत्तर भारतीय महासंघ लोगों की मदद करते हुए अभी तक चल रहा है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये बड़ी तादाद यहाँ पर है। अभी हमने नदीम खान साहब से बात की, इन्होंने ये बताया कि इन्हें प्रशासन की तरफ से ही फ़ोन आया था रात के 11:30-12 बजे करीब और इन लोगों ने फ़ौरन किचन शुरू किया और खाना तैयार करके उसी रात में यहाँ पहुँचाया रात में 12:30-12 बजे और उस दिन से लेकर आज तकरीबन 25 से 30 दिन होने आ गए हैं। ये लोग उसी जतन के साथ उसी लगन के साथ हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है कि सारे जहाँ अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें इसकी ये गुलशिता हमारा और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो सब हमारे हिंदी भाई हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं। उत्तर भारतीय महासंघ ने धर्म को किनारे किया और मानवता के नाम पर आगे बढ़कर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ भी मदद जारी है और आगे भी इनका संकल्प है कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा हम अपनी मदद इसी तरह जारी रखेंगे। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, देखते रहिए ऐलान टाइम्स और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही यहाँ पर हैं किशोर भाई, दीवा के रहने वाले हैं। किशोर भाई ये बताइए कि लॉकडाउन के चलते जो परेशानी हुई उत्तर भारतीय महासंघ से क्या सहायता आप लोगों को आ रही है? बहुत सहायता किया, जब से लॉकडाउन चालू है तब से खाना आ रहा है, सबको पब्लिक को मिल रहा है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं उत्तर भारतीय महासंघ के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं करीम खान, बहुत अच्छा, बहुत बोले तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब पेट भर के खाना मिल रहा है आदमी को। ये बताइए शासन प्रशासन से कोई सहायता मिली आप लोगों को? नहीं अभी तक तो मेरे को तो कुछ मिला नहीं और पब्लिक को भी नहीं मिला है। हाँ आला भाई आला।